अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी नौ बार नमोकार मंत्र पढ़ लें तो हम सभी देख रहे थे और आगे की जानकारी कि सर्पणी काल अवसर्पिणी काल ये जो बचा है समय आया, आने वाला है वो कैसा होगा ठीक है तो लास्ट में हमने देखा था की भूमि के मनुष्य जो हैं वो कैसे होंगे और वो कहाँ रहते हैं भोग भूमि की व्यवस्था तुम सबको पता ही है कि विदेश क्षेत्र का एक भाग जो है भोग भूमि है है ना हमेशा रहता है वहा पे भोग भूमि फिर बाकी के दो और क्षेत्र हैं जम्बूद्वीप में ही जो भोग भूमि है मध्यम भोग भूमि और जघन्य भोग भूमि उसके अलावा भी भरत क्षेत्र और अरावत क्षेत्र जो होता है उसमें भी जो काल परिवर्तन जब हो रहा होता है तो जैसे हमने देखा था अवसर्पिणी का पहला दूसरा तीसरा काल वो भोग भूमि का काल है ठीक है तो इस तरह से जो उत्तम भोग भूमिया है अच्छी भोग भूमिया है वो तो सब द्वीपों में है लेकिन जो ये कुभोग भूमिया है ये अंतर द्वीपों में होती हैं। अंतर द्वीप मतलब जो समुद्र है राइट सागर जिसे बोलते हैं ना लवण समुद्र कालो दधी सागर इनमें द्वीप रहते हैं राइट इनमें जो द्वीप होते हैं उनमें ये कुबो भूमिया होती हैं। ठीक है थीके? तो उनके जो मनुष्य होते हैं वो कुछ बुरा करके वहां पर मतलब जैसे अः को दान दे, देने का प्रभाव से राइट कि देने लायक नहीं थे लेकिन उनको दान दिया या आ, मन उनके खराब थे तो कुछ अच्छा करते और कुछ बुरा करते उस वजह से कुभोग भूमि है ना भोग भूमि तो है लेकिन कुभोग भूमि है क्या है वहां पर उनके शेप बहुत अजीब सी होती है उन्हें कई बार मिट्टी खानी पड़ती है राइट तो इस तरह की व्यवस्था वहाँ पर रहती है और बाकी क्या जानकारी है कि सब मलेच खंड और विजयार्थ पर्वतों की स्थिति तीर्थंकरों के समय के समान होती है मतलब कि जो चौथा काल है राइट चौथे काल के समान तो चौथा काल जैसे शुरू में बड़ी-बड़ी हाइट वाले लोग होते हैं और बाद में कम होते होते छोटे से लोग हो जाते हैं सात हाथ के राइट तो इसी तरह से समझना विद्यार्थ पर्वत पर भी बड़े और फिर धीरे धीरे छोटे होने लग जाते हैं जैसा जैसा समय तीर्थंकरों का चलता है भारत क्षेत्र आर्यखंड में वैसा ही मलेज खंड और विजात पर्वत में चौथा काल चलता रहता है और वृद्धि रास सदा कर्म भूमियों में ही रहता है ठीक है ना वृद्धि मतलब कि पूरा बाकी के जो काल हैं वो कहाँ पर रहते हैं सिर्फ कर्म भूमियों में और कौन सी कर्म भूमियों में भारत और ऐरावत विधेय क्षेत्र में हमेशा चतुर्थ काल ही रहता है कोई वृद्धि रास नहीं रहता इस प्रकार श्रैणिक राजा के प्रश्न के अनुसार इंद्रभूति गणधर ने वचन रूपी किरणों के द्वारा अंतःकरण के अंधकार समूह को नष्ट करते हुए यह काल हाल कहा उन्होंने यह भी कहा कि भगवान महावीर भी बहुत से देशों में विहार करेंगे और देशों मतलब नगरों की बात करें यहाँ पर ऐसा नहीं कि भारत के बाहर कहीं चले जाएंगे या आर्यखंड के बाहर कहीं चले जाएंगे वो हमेशा आर्यखंड में ही विचरण करते हैं यह भी कहा कि महावीर भी बहुत से देशों में विहार करेंगे अंत में वे पावापुर नगर में जाएंगे पहुंचेंगे वहां के मनोहर नाम के वन के भीतर अनेक सरोवर के बीच में शिला पर विराजमान होंगे बिहार छोड़कर निर्जरा को बढ़ाते हुए वे दो दिन तक वहां विराजमान रहेंगे कहा पावापुर में और फिर कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन रात्रि के अंतिम समय स्वाति नक्षत्र में अतिशय दे दीप्यमान तीसरे शुक्ल ध्यान में तत्पर होंगे तीसरा शुक्ल ध्यान और चौथा है ना दो ही लगाने रहते हैं तेरह व गुण स्थान के बाद तो उन्होंने वो सबसे पहले लगाएंगे तीसरा शुक्ल ध्यान और तदनंतर तीनों योगों का निरोध कर समूह क्रिया प्रतिपाती नामक चतुर्थ शुक्ल ध्यान को धारण कर चारों अघातिया कर्मों का क्षय कर देंगे और शरीर रहित केवल गुण रूप होकर एक हजार मुनियों के साथ सबके द्वारा वांछनीय मोक्ष पद प्राप्त करेंगे उनके साथ और एक हजार मुनि भी मोक्ष जाने वाले हैं ठीक है ना तो इनका समय अलग अलग हो सकता है ऐसा बोलते हैं ना कि एक समय में 608 सौ आठ जीवी मोक्ष जाते हैं राइट तो ये जो एक हजार एक साथ जा रहे हैं तो इनका समय अलग अलग हो सकता है समय कुछ क्षणों के बाद एक जा रहा है तो ऐसा ठीक है ना जरूरी एक समय में ही सब एक हजार एक साथ जाएंगे छह महीने आठ समय में छह सौ आठ जाते छह महीने में छह महीने आठ समय में छह सौ आठ निरंतर जाते रहते हैं अच्छा और निरंतर उतनी से निकलते रहते हैं ठीक थैंक यू वही उनका अनंत सुख को करने वाला सबसे बड़ा पुरुषार्थ होगा अर्थात उनके पुरुषार्थ की वही अंतिम सीमा होगी है ना तो क्या है यही सबसे बड़ा कार्य करने को बचता है जो वो कर रहे हैं महावीर भगवान सब कुछ होते हुए भी तीर्थंकर की सारी संपदा होते हुए राजकुमार होते हुए और उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया चाहते तो वो भी सब इसी समय इसी चीजों में लगे रहते युद्ध करने में राज्य को बढ़ाने में विवाह करके अपनी गृहस्थी बसाने में लेकिन नहीं उन्होंने जो करने योग्य कार्य था वह किया और करने योग्य क्या अपनी आत्मा को पालिया अपने आप को पालिया लिया न इंद्र आदि सब देवाएंगे और अग्नि इंद्र कुमार के मुकुट से प्रज्वलित होने वाली अग्नि की शिखा पर भगवान स्वामीर स्वामी का शरीर रखेंगे है ना ये चीज हमने आ, उसमें भी पढ़ी थी जैन तत्व विद्या में तो दो मत चलते हैं एक तो ये कि अग्नि कुमार के जो आ, देव हैं वो अपने मुकुट से अग्नि जलाकर भगवान का शरीर को का आ, जो क्रिया है वो करेंगे है ना और नहीं तो क्या है भगवान का शरीर जो है कपूर की भांति उड़ जाता है दो मत चलते हैं स्वर्ग में से लाए हुए गंध माला आदि उत्तमोत्तम पदार्थों के द्वारा मोह के शत्रु तीर्थंकर भगवान की विधि पूर्वक पूजा करेंगे और फिर अनेक अर्थों से भरी हुई स्तुतियों के द्वारा संचार से पार होने वाले उन भगवान की स्तुति करेंगे जिस दिन भगवान महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त होगा उसी दिन मैं भी घातिया कर्मों को नष्ट कर केवल ज्ञान रूपी नेत्र को प्रकट करने वाला होऊंगा। कौन कह रहे हैं गौतम गणधर है ना इसीलिए जिस दिन सुबह महावीर स्वामी को निर्वाण हुआ उसे दिन शाम के समय गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हो गया और भव्य जीवों को धर्म उपदेश देता हुआ अनेक देशों में विहार करूंगा तदनंतर विपुलाचल पर्वत पर जाकर निर्वाण प्राप्त करूंगा मेरे निर्वाण जाने के दिन ही समस्त श्रुत ज्ञान के पारगामी सुधर्म सुधर्मा गुण गणधर जो हैं गणधर भी लोक और अलोक को प्रकाशित करने वाले केवल ज्ञान रूपी अंतिम लोचन को प्राप्त करेंगे लोचन मतलब नेत्र है ना देखने देखते हैं ना पर नेत्र से तो ऐसे ही केवल ज्ञान से क्या है सबको देखने वाले सर्वज्ञ हो जाएंगे तो जैसे ही कि गौतम गणधर निर्वाण प्राप्त करेंगे उसी दिन सुधर्माचार्य जो है वो केवल ज्ञान को प्राप्त करेंगे ठीक है और उनके मुख जाने के समय ही जम्बू स्वामी केवल ज्ञान प्राप्त करेंगे जिन जम्बू स्वामी की कथा पड़ी थी है ना उनको जब सुधर्माचार्य चले जाएंगे तब केवल ज्ञान होगा वह जम्बू स्वामी भरत क्षेत्र में अंतिम केवली कहलाएंगे जो जिन्हें केवल ज्ञान हुआ ऐसे केवली वो अंतिम कहलाएंगे इनके बाद नंदी मुनि श्रेष्ठ नंदी मित्र अपराजित गोवर्धन और महातपस्वी भद्रबाहु मुनि होंगे क्या कहते हैं श्रुत केवली श्रुत केवली बेसिकली जिन्हें केवल तो नहीं हुआ है लेकिन श्रुत का पूरा ज्ञान हो जाए जिसे तो वो केवली। ये पांचों ही मुनि अतिशय विशुद्धि के धारक होकर अनुक्रम से अनेक नयों से विचित्र अर्थों का निरूपण करने वाले पूर्ण श्रुत ज्ञान को प्राप्त होंगे अर्थात श्रुत केवली होंगे ठीक है तो यहाँ पर भद्रबाहु स्वामी का नाम है इनके बाद विशाखाचार्य प्रोष्ठिल क्षत्रिय जय नागसेन सिद्धार्थ दृति विजय बुद्धिल गंगदेव और बुद्धिमान धर्मसेन ये ग्यारह अनुक्रम से होंगे मतलब एक के बाद एक होंगे तथा ये कौन होंगे द्वादशांग का अर्थ कहने में कुशल और दस पूर्व के धारक होंगे टोटल कितने पूर्व होते हैं चौदह ठीक है चौदह में से दस के धारक होंगे इसलिए इनको श्रुत केवली तो नहीं कह सकेंगे लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा नॉलेज वाले होंगे ये मुनि के के लिए कल्प के समान तथा जैन धर्म का प्रकाश करने वाले होंगे कल्प वृक्ष के समान क्यों बोला क्योंकि धर्म क्या है चिंतामणि के समान जो मांगो वह मिलता है है ना धर्म से सब कुछ मिलता है तो इसलिए इनको ये धर्म को फैलाने वाले हैं इसलिए इन्हें कल्प वृक्ष के समान बोला उसके बाद नक्षत्र जयपाल पांडु ध्रुवसेन और कंसारे ये अंगों के जानकार होंगे अंग अब नहीं रहेगा है ना अंगों के जानकार होंगे इसके बाद सुभद्र यशोभद्र प्रकृष्ट बुद्धिमान यशोबाहु और चौथे लोहाचार्य ये चार आचारंग के जानकार होंगे आचारंग वन ऑफ द चौदह पूर्व का पार्ट है इन सब तपस्वियों की यह परंपरा जिनेंद्र देव के मुख कमल से निकले हुए पवित्र तथा पापों का लोप करने वाले शास्त्रों का प्ररूपण करेंगे इनके बाद बड़ी बड़ी रिद्धियों को धारण करने वाले जिनसेन वीर सेन आदि अन्य तपस्वी भी श्रुत ज्ञान के एक देश का प्ररूपण करेंगे एक देश मतलब पार्शल है ना थोड़ा सा जो, जो अब श्रुत ज्ञान क्या है धीरे धीरे कम होता चला गया सबके पास वो द्वादशांग ज्ञान नहीं रहा ठीक है तो क्या है एक देश का प्ररूपण करेंगे प्राय कर शुद्ध ज्ञान का यह एक देश दुश्मा नामक पंचम काल के अंत तक चलता रहेगा तो किसी ना किसी के पास या आगे फॉरवर्ड होता रहेगा भारत सागर मनुष्यों के द्वारा प्रशंसनीय सत्य राजा मित्र भाव सूर्य के समान कांति वाला मित्र वीर धर्म वीर दान वीर मगवा बुद्धवीरियमंदर त्रिपृष्ठ स्वयंभु पुरुषोत्तम पुर्ष, पुंडरीक प्रशंसनीय सत्यदत्त पृथ्वी का पालक कुनाल मनुष्य का स्वामी नारायण सुभौम सार्वभौम अजितंजय विजय उग्रसेन महासेन और आगे चलकर जिनेन्द्र का पद प्राप्त करने वाला तू गौतम स्वामी राजा श्रेणिक से कहते हैं हे श्रेणिक ये सभी पुरुष श्रीमान हैं मतलब कि अच्छे हैं है, है ना मतलब अच्छे राजा बनेंगे धर्म संबंधी प्रश्न करने वालों में श्रेष्ठ हैं और निरंतर 24 तीर्थंकरों के चरण कमलों की सेवा करने वाले हैं अब सिर्फ समराइज़ वे में कह रहे हैं कि भगवान महावीर स्वामी का जीव पहले पुरोर्वा नाम का भील था, फिर पहले स्वर्ग में देव हुआ फिर भरत का पुत्र मरीची हुआ फिर ब्रह्म स्वर्ग में देव हुआ फिर जटिल नाम का ब्राह्मण हुआ फिर सौधन स्वर्ग में देव हुआ फिर पुष्य मित्र नाम का ब्राह्मण हुआ फिर अग्निशम नाम का ब्राह्मण हुआ है ना जो महावीर भगवान का जीव है देव हुआ फिर नाम का ब्राह्मण हुआ फिर महेंद्र स्वर्ग में देव हुआ फिर भारद्वाज नामक ब्राह्मण हुआ फिर महेंद्र स्वर्ग में देव हुआ फिर वहां से च्युत होकर मनुष्य हुआ फिर असंख्यात वर्षों तक नरकों और त्रस स्थावर योनियों में भ्रमण करता रहा फिर वहां से निकलकर स्थावर नाम का ब्राह्मण हुआ फिर चतुर्थ स्वर्ग में देव हुआ वहां से चुत होकर विश्व नंदी हुआ ये विश्व नंदी के पर्याय की डिटेल हमने देखी थी जिसमें वो मुनि बने थे है ना और बाद में निदान कर लिया था फिर महाशुक्र में देव हुआ फिर त्रिपृष्ठ नाम का तीन खंड का स्वामी नारायण हुआ फिर सप्तम नरक में उत्पन्न हुआ वहां से निकलकर सिंह हुआ ठीक है अब ये सिंह वो सिंह नहीं है फिर पहले नरक में गया वहां से निकलकर फिर सिंह हुआ उसी सिंह की पर्याय में उसने समीचीन धर्म धारण कर निर्मलता प्राप्त की जहां उसे दो चारण रीति मुनिराजों ने संबोधन दिया था है ना फिर सौधर्म स्वर्ग में सिंह केतु नाम का उत्तम देव हुआ फिर कनकोज्वल नाम का विद्याधरो का राजा हुआ तो क्या कहना चाह रहे हैं पूरे टाइम पर उसके पास सम्यक दर्शन नहीं था है ना इस वजह से वो भटकता रहा सिंह की पर्याय में पहली बार उसे सम्यक दर्शन हुआ जिसकी वजह से आगे फिर उसकी उन्नति होती चली गई पहले देव हुआ उत्तम देव फिर कनकोज्वल नाम का विद्याधरो का राजा हुआ फिर सप्तम स्वर्ग में देव फिर हरिष्ण राजा फिर महाशुक्र स्वर्ग में देव फिर प्रियमित्र नाम का चक्रवर्ती हुआ है ना पिछले भाव में वो अपने चक्रवर्ती भारत क्षेत्र के नहीं लेकिन विदेश क्षेत्र में कहीं या घात के खंड वो देखना रहेगा कहाँ के प्रिय मित्र नाम का चक्रवर्ती हुआ फिर सहस्रार स्वर्ग में सूर्यप्रभ नाम का देव हुआ वहां से आकर नंद नाम का राजा हुआ नंद नाम के राजा की पर्याय में उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया था फिर अच्युत स्वर्ग के पुष्पोत्तर विमान में उत्पन्न हुआ और फिर वहां से च्युत होकर वर्धमान तीर्थंकर हुआ है जो पंच कल्याणक रूप महारिद्धि को प्राप्त हुए तथा जिन्हें मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त हुई ऐसे वे वर्धमान स्वामी गुणभद्र के लिए अथवा गुणों से श्रेष्ठ समस्त पुरुषों के लिए सर्व प्रकार के मंगल प्रदान करें ठीक है तो यहाँ पर पूरा तो हो जाता है इसके बाद वो थोड़ी तो सी स्तुतियां होंगी स्तुति करेंगे कौन करेंगे आचार्य गुणभद्र ठीक है तो अब यहां पर जो कहानी रूप से चल रहा था कि श्रेणिक की कहानी थी श्रेणिक ने ये क्वेश्चन पूछा गंधर स्वामी ने ये जवाब दिया वो सब खत्म हो गया अब क्या है अब सिर्फ उनका आ, स्तुति चलेगी थोड़े टाइम यार एक बात पूछूं जाजी ने जी राजा श्रेणिक का क्या हुआ था ये किस सूस में थे आप राजा श्रेणिक इस समय नरक में है उसके बाद ये भी भगवान करेंगे क्या हाँ तीर्थंकर बनेंगे ना पहले तीर्थंकर यही होंगे ना हाँ, कल वो ना 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 तो वो श्रेणी का हाँ, नाम आया था ना तो इसीलिए इसीलिए मैं पूछ रही ठीक इस प्रकार अच्छी कथा के रस से मधुर तथा भक्ति से आस्वादित गौतम स्वामी के मुख कमल से सुशोभित सरस्वती देवी के वचन रूपी अमृत से वह सभा तथा मगधेश्वर राजा श्रेणी दोनों ही समस्त अर्थ रूप संपदाओं को देने वाले एवं ज्ञान और दर्शन को पुष्ट करने वाले बड़े भारी संतोष को प्राप्त हुए जो निर्मल मोक्ष काल में भी धर्म तीर्थ का भारी विस्तार किया और इस तरह जिन्होंने अंतिम तीर्थंकर होते हुए भी पूर्व तीर्थंकरों को जीत लिया ऐसे श्री वर्धमान जिनेन्द्र को मैं स्तुति के मार्ग से मैं लिए जाता हूँ अर्थात उनकी स्तुति करता हूँ हे ईश अर्थी लोग यानी कुछ पाने की इच्छा करने वाले लोग जो किसी रीजन से स्तुति करते हैं किसी स्तुति, स्तुति करने की योग्य पुरुष की जो स्तुति करते हैं सो उसे प्रसन्न करने के लिए ही करते हैं है ना जो कोई भी भगवान की स्तुति करता है उसका कोई ना कोई अपनी इच्छा पाने की होती है अंदर से परन्तु यह बात आप में नहीं है क्योंकि आप मोह को जीत चुके हैं इसलिए मैं किसी वस्तु की आकांक्षा रखकर स्तुति नहीं कर रहा हूँ मुझे सिर्फ स्तुति करने जिनेंद्र की स्तुति करने करने योग्य की का ही अनुराग है मैं सब प्रयोजनों से विमुख हूँ आचार्य गुणभद्र कह रहे हैं हे सुमुख सुंदर मुख वाले जिनका प्रमाण अर्थात ज्ञान प्रमेय अर्थात पदार्थ से रहित है जो समस्त पदार्थों को नहीं जानते वे हित अभिलाषी लोगों की स्तुति के विषय नहीं हो सकते क्या कह रहे हैं कि जिनका प्रमाण अर्थात ज्ञान ज्ञान और जो पदार्थ से रहित है यानी जो समस्त पदार्थों को नहीं जानते वे हित अभिलाषी लोगों की जो हित चाहने वाले लोग हैं उनकी स्तुति का विषय नहीं हो सकते हे अर्न आप समस्त पदार्थों को जानते हैं समझ पदार्थों का जानना ही आपका स्वरूप है और आप ही उन समझ पदार्थों के वक्ता हैं यानी उपदेश देने वाले हैं इसलिए लोगों के द्वारा आप ही स्तुति किए जाने के योग्य हे है ना इसको अगर आप चाहें तो आप बंद करके भी सुन सकते हैं जस्ट इससे विजुअलाइज करिए भगवान सामने बैठे हैं और ये सब आप बोल रहे हैं ठीक है हे जिनेन्द्र यद्यपि आप स्तुति का फल नहीं देते तो भी स्तुति करने वाला मनुष्य बिना किसी याचना के शीघ्र ही स्तुति का बहुत भारी श्रेष्ठ फल अवश्य पा लेता है इसलिए दानता से बहुत डरने वाला और श्रेष्ठ फल की इच्छा करने वाला मैं आपका स्तवन क्यों ना करूं? हे जिनेन्द्र यदि इस संसार में कोई किसी के लिए बिना कारण तृण का एक टुकड़ा भी देता है तो वह मूर्ख कहलाता है मतलब कि बिना वजह कोई किसी को कुछ नहीं देता परंतु आप बिना किसी कारण मोक्ष लक्ष्मी तक प्रदान करते हैं इसलिए आपको सबसे अधिक मूर्ख कहा जाना चाहिए परंतु आप बुद्धिमानों में प्रथम ही गिने जाते हैं यह महान आश्चर्य की बात है तो मतलब लोक प्रचलित जो मूर्खता की परिभाषा है वो सही नहीं है ना भगवान तो सब कुछ ही दे दिया आपको मोक्ष का रास्ता दिखा दिया ज्ञान दे दिया तो उससे ऊपर क्या होगा इस संसार में कितने ही अन्य लोगों ने अपना सर्वस्व धन देकर याचक जनों के लिए चल रहित स्थाई धन से श्रेष्ठ बनाया है और हे जिनेंद्र आप केवल वचनों के द्वारा ही दान करते हैं फिर भी आश्चर्य की बात है कि चतुर मनुष्य उन सब का उल्लंघन कर एक आपको ही उत्कृष्ट दाता कहते हैं भावार धन संपत्ति का दान करने वाले पुरुष संसार में फसाने वाले हैं देने के बाद उनका प्रयोजन रहता है कि मैंने तुम्हें दिया अब तुम मेरी स्तुति करो या मेरा काम करो है ना लेकिन भगवान क्या है परंतु आप वैराग्य से ओत प्रोत उपदेश देकर जीवों को संसार समुद्र से बाहर निकालते हैं अतः सच्चे और उत्कृष्ट दानी आप ही हैं हे जिन विषयों का अर्जन करना ही जिनकी बुद्धि अथवा पुरुषार्थ रह गया है तथा समस्त विषयों का निरंतर उपभोग करना ही जिनको सुख मान रख जिन्होंने सुख मान रखा है उन दोनों में विरुद्ध रहने वाला आपका शासन उन लोगों के कान को फोड़ने वाला क्यों नहीं होगा अवश्य होगा है ना? जिन्होंने अपना एम क्या बना रखा है विषयों का अर्जन करना तो उनको आपका शासन जो है कानों को नहीं सुहाता हे जिनेन्द्र आपने जिस पुण्य का उपदेश दिया है वही ज्ञान आदि के द्वारा परम निर्वाण का साधन होने से इष्ट है और भव्य जीवों के द्वारा करने के योग्य है पुण्य से ज्ञान से जो निर्वाण प्राप्त होता है वही करने योग्य है देवों के समझ सुख प्रदान करने वाला जो पुण्य है वह पुण्य नहीं है क्योंकि वह बंद का देने वाला है विषयों में फसाने वाला है और अभिष्ट का घात करने वाला है है ना जो स्वर्ग के सुख प्रदान करे ऐसा सुख किस काम का क्योंकि आगे चल के वापिस से संसार में ही पड़ना है ना तो इसलिए वह मोक्ष का घात करने वाला है हे भगवान समव शरण में आपके जो शरीर आदि विद्यमान है वे निष्फल नहीं है क्योंकि उत्तम शिष्य आपके वचन सुनकर तथा साक्षात आपके दर्शन कर इसी लोक में को प्राप्त होते हैं सो ठीक ही है क्योंकि जितने फल हैं उन सब में परोपकार करना ही मुख्य फल है और भगवान क्या है वहां पर अपनी ध्वनि से भी और अपने रूप से भी है ना भगवान को देखने मात्र से कर्म का नाश हो रहा है तो भगवान हर तरह से उपकार करने वाले हैं भगवान ज्ञान दर्शन आदि रूप लक्षणों का घात करने वाला जो नाम आदि कर्म आपकी आत्मा में विद्यमान है वह क्या आपके उपयोग को नष्ट कर सकता है अर्थात नहीं कर सकता क्योंकि भगवान के जो अघातीय कर्म बचे हैं अब भगवान के उपयोग को नष्ट नहीं कर सकते भगवान का उपयोग कहाँ लग गया दर्शन ज्ञान में है ना क्योंकि अब उस उनका केवल ज्ञान प्रकट हो चुका है इसलिए आदि कर्म अब विद्यमान होते हुए भी उनको नहीं परेशान करते या नहीं तकलीफ देते हे आत्मा में कर्मों की सत्ता होने से जो आपको असिद्ध अमुक्त जानता है वह यह क्यों नहीं मानने लगता है कि निरंतर उमन न होने से शरीर रहित सिद्ध भगवान भी अभी सिद्धि को प्राप्त नहीं हुए हैं भावार यद्यपि अर्यंत अवस्था में नामादि कर्म विद्यमान रहते हैं परंतु मोहनीय का योग ना होने से वे कुछ कर सकने में समर्थ नहीं है ना तो ये बात बहुत अच्छे से समझ लेना कि भगवान भले ही शरीर है ध्यान में बैठे हैं राइट सब कुछ देख पा रहे हैं लेकिन क्योंकि मोहनीय नहीं है उनके अंदर में कोई कचाई नहीं है तो कुछ भी करने में समर्थ नहीं है मतलब कि ऐसा नहीं है कि वो करना चाह रहे हैं और कर नहीं पा रहे हैं ऐसा नहीं उनको अंदर से कोई इच्छा ही नहीं है इच्छा कब होती है मोहनीय कर्म के कारण जो हमारे अंदर संकल्प विकल्प उठते हैं वो मोहनीय कर्म के कारण उठते हैं अगर यही नहीं रहेगा तो अंदर से कुछ करने का नहीं रहेगा और वो क्या करते फिर बस अपने स्वभाव में रहते हैं अपने अनंत सुख को भोगते हैं कुछ कर सकने में समर्थ नहीं है अतः उनकी जीवन मुक्त अवस्था ही मानने योग्य है मतलब कि भले ही अभी उन्हें सिद्ध अवस्था नहीं प्राप्त है फिर भी ऑलमोस्ट मुक्त के समान ही मानने योग्य है प्रभु गणधर आदि देव आपको आदि सहित अंत रहित, आदि रहित अंत सहित अनादि अनंत पाप सहित पाप रहित दुखी सुखी और दुख सुख दोनों से रहित कहते हैं इसलिए जो मनुष्य नयो से अनिभज्ञ अनिभिज्ञ हैं वे आपको नहीं जान सकते उनके द्वारा आप अज्ञेय हैं मतलब क्या देव आपको कैसे जानते हैं सब तरह के नयों को लगाकर जानते हैं नए मतलब पर्सपेक्टिव पर्सपेक्टिव से डिफ्रेंट डिफ्रेंट से डिफरेंट डिफरेंट है ना कि आप अनादि अनंत हैं इस तरह जो भी पर्याय है किसी ना किसी रूप में वो सत्य है ठीक है ना इसलिए कह रहे हैं कि जो मनुष्य नयों को नहीं जानता वो आपको नहीं जान सकते भावार भावार मतलब एक्सप्लेन कर रहे हैं आत्मा की जो सिद्ध पर्याय प्रकट होती है वह पहले से विद्यमान नहीं रहती इसलिए सिद्ध पर्याय की अपेक्षा आप सादी हैं। मतलब कभी आपने सिद्ध पर्याय नहीं प्राप्त की इसलिए आप स है। आदि हैं आदि मतलब कहीं से स्टार्ट होना शुरुआत है तथा सिद्ध पर्याय एक बार प्रकट होकर फिर कभी नष्ट नहीं होती इसलिए आप अंत रहित हैं एक बार हो गई सिद्ध तो अंत नहीं होगा तो ये क्या है फिर से न्याय की भाषा है न्यायो की भाषा है आपकी संसारी पर्याय जो है आदि रहित है मतलब उसमें स्टार्टिंग हुई ये किसी को नहीं मालूम अतः उसकी अपेक्षा आप अनादि हैं अनंत समय से हैं और कर्मचय हो जाने पर संसारी पर्याय का अंत हो जाता है उसकी अपेक्षा आप अंत सहित हैं तो अंत किसका हो रहा है संसार की पर्यायों का तो इस अपेक्षा से अंत सहित बोला है ना कोई अचानक से कह दे भगवान तो अंत सहित है है ना तो ऐसा एकदम से आ जाएगा अंदर से भाव होगा अरे ये कैसा दृष्टि है कैसी बात कर रहा है लेकिन अगर लगाएंगे, लगाएंगे, नए लगाएंगे, तो कि हाँ इस अपेक्षा से तो यस बिल्कुल सही कहा भगवान की जो संसार की पर्याय है वो अंत सहित है ठीक है ना तो इसलिए कोई झगड़े का कारण नहीं रहता द्रव्यार्थिक नये की अपेक्षा सामान्य जीवत्व भाव से आप न आदि हैं और न अंत हैं मतलब कि जो द्रव्य आर्थिक मतलब आत्मा की अपेक्षा से देखें राइट तो न आदि है न अंत है जैसा है वैसा है न स्टार्टिंग न एंड अतः आप आदि और अंत दोनों से रहित हैं हिंसाधि पापों का आप त्याग कर चुके हैं अतः अनवद्य हैं यानी निष्पाप हैं और असातवेदनीय आदि कितनी ही पाप प्रकृतियों का उदय अरियंत अवस्था में भी विद्यमान है अतः सावद्य है यानी पाप प्रकृतियों से सहित है अरियंत अवस्था में असातवेदनीय का उदय विद्यमान रहने से कारण की अपेक्षा आप दुखी हैं मतलब कि असातवेदनीय का उदय तो है लेकिन वो दुखी होते नहीं है क्योंकि कषाय नहीं है उनके पास तो इसलिए उस अपेक्षा से दुखी कहा मोह कर्म का अभाव हो जाने से आकुलता जन जन्य, जन्य दुख नष्ट हो चुका इसलिए सुखी है और आप अव्यावाद गुण से सहित हैं अतः सुखी और दुखी इन दोनों व्यवहारों से रहित हैं इस प्रकार भिन्न भिन्न नयों की अपेक्षा आप अनेक रूप हैं है ना जो इन नयों को बहुत अच्छे से जानता हो उसको जब जो स्तुति करने बैठेगा तो कितनी सुंदर स्तुति कर पाएगा है ना जो इस नए वाद को नहीं समझता वे आपके इन विविध रूपों को कैसे समझ सकता है हे देव जीवों के भाव दो प्रकार के हैं एक संयोग से उत्पन्न होने वाले और दूसरे स्वाभाविक क्या हैं भाव भाव मतलब जो अंदर के फीलिंग्स कह लीजिए संयोग से जिसमें कि दूसरा निमित्त बने कोई निमित्त मिलेगा तो बनेंगे और दूसरे स्वाभाविक जो संयोग से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, वे संयोग के नष्ट हो जाने पर नष्ट हो जाते हैं उनके नष्ट होने से ज्ञान आदि स्वाभाविक भावों में आत्मा की जो स्थिति है वही परम निवृत्ति या परम मुक्ति कहलाती है परंतु यह मार्ग आपके वचनों से दूर रहने वाले अन्य दर्शनकारों को कठिन है मतलब क्या कि जो अभी कषाय भाव हो रहे थे वो क्या है संयोग से उत्पन्न होने वाले क्या संयोग था उसमें मोहनीय कर्म संयोग था अब मोहनीय कर्म नहीं रहा तो अब क्या होगा कैसे भाव होंगे स्वाभाविक भाव है ना और वे स्वाभाविक भाव जो है वो आत्मा की परिणति है यानी परम मुक्ति उसी को कहा है ठीक है तो क्या कह रहे हैं कि जो अन्य दर्शनकार हैं उनके लिए बात को समझना बहुत मुश्किल है वो फंस के रह जाते हैं कि नहीं संयोग से भाव होते हैं और कोई स्वाभाविक को मतलब एक नए को मान लेता है है ना एकांतवाद को मान के चलते हैं तो फिर वहां झगड़ा हो जाता है हे भगवन, आप बंधन को कर, जो अंत मुक्ति प्रदान करते हैं, वह बात तो दूर ही रही किंतु स्नेह आदि कारणों से रहित होकर भी समस्त प्राणियों की रक्षा करने में जो आपकी दक्षता है वही आपकी आपतता सिद्ध करने के लिए बहुत है आपतता मतलब देव है ना सबसे उत्कृष्ट देव कौन है जो सब तरह का कर्म बंध छोड़कर भी भगवान क्या करते हैं भगवान के अंदर पूरी करुणा है छाईक दान है ना क्योंकि उन्होंने जो अंतराय कर्म के पांच पार्ट हमें याद हो दान लाभ भोग उपभोग वीर है।, है ना तो छाईक दान उनके पास है वो भगवान सब पे सबकी रक्षा करने वाले हैं तो ये किससे कैसे वही आपकी आपतता सिद्ध करने के लिए बहुत है ठीक है ना हे भगवान क्या आपका ज्ञान समस्त पदार्थों के देखने के कतूहल से सहित नहीं मतलब कि ज्ञान से जब आप सब कुछ देख रहे हैं तो आपको होता होगा क्या अपरिमित पदार्थों के निरूपण करने में आपकी वचन कुशलता नहीं है कि आप सब कुछ देख पा रहे हैं तो आप तो बता सकते हैं सब कुछ बहुत अच्छे से क्या पर पदार्थों से परांगमुख रहने वाले आप स्वार्थ रूप संपदा के सिद्ध करने में समर्थ नहीं है और क्या सज्जनों के बीच एक आप ही पूज्य नहीं है तो क्या कह रहे हैं और हे नाथ समय संसार को देखने के लिए फैलने वाले आपके अनंत के व्यापार का पार कभी नहीं प्राप्त किया जा सकता तो भी आश्चर्य है कि सज्जन लोग आपको ही सुखियों में सबसे अधिक सुखी बतलाते हैं परंतु उनकी यह भक्ति है अथवा यथार्थ ज्ञान है यथार्थ ज्ञान है सो जान नहीं पड़ता है संसार को देखने के लिए फैलने वाले आपके अनंत वीर्य के व्यापार का पार नहीं प्राप्त किया जा सकता मतलब कि जो केवल ज्ञान है सर्वज्ञता है, वो बिना अनंत बल के नहीं पॉसिबल है ना तो क्या कह रहे हैं कि आपके अनंत वीर्य के व्यापार का पार कभी नहीं प्राप्त किया जा सकता तो भी सज्जन लोग आपको ही सुखियों में सबसे अधिक सुखी बताते हैं है ना? तो लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्हें वो अनंत बल जो है वो लगाना पड़ रहा है इसलिए भगवान जो है अनंत सुखी ही कहलाते हैं परंतु उनकी यह भक्ति है अथवा यथार्थ ज्ञान है सो जान नहीं पड़ता कि ये एक्चुअल ज्ञान है है ना ऐसा नहीं कि वो भक्ति वशी सिर्फ कह रहे हैं हे जिनेन्द्र आपकी जितनी चेष्टाएं हैं वे सभी भक्त जीवों के लिए मोक्ष सिद्ध करने के लिए है परंतु आपको उसके किसी फल की इच्छा नहीं है जितनी चेष्टाएं हैं क्या मतलब भगवान की तो कोई चेष्टा ही नहीं है लेकिन जो उनकी वजह से बाकियों को हेल्प हो रही है वो चेष्टाओं में डाल दिया है ना तो जितनी चेष्टाएं हैं वे सभी भक्त जीवों के मोक्ष सिद्ध करने के लिए है परंतु आपको उसके किसी फल की इच्छा नहीं है इसलिए कहना पड़ता है कि वचनामृत रूपी जल की वृष्टि से संसार को तृप्त करते हुए एक आप ही अकारण बंधु हैं तो उनके वचन अमृत से सब तृप्त हो रहे हैं इसलिए आप एक अकारण बंधु हैं बिना वजह के मित्र बने हुए हैं यह जीव प्रकट हुए उपयोग रूपी गुणों के द्वारा जाना जाता है और उस उपयोग को नष्ट करने वाले चार घातीय कर्म है, है ना उपयोग क्या है आत्मा का ज्ञान और दर्शन वह जीव प्रकट हुए उपयोग रूपी गुणों के द्वारा जाना जाता है और घातिया कर्म से वह उपयोग नष्ट हो रहा है उन घातिया कर्मों को नष्ट करने से आपका उपयोग रूपी पूर्ण लक्षण प्रकट हो चुका है कि आपने जो अपना उपयोग है वो पूर्ण रूप से प्रकट कर लिया इसलिए हे जिनेन्द्र आप ही कहिए कि ऐसे आत्म लक्षण वाले आपको सिद्ध कैसे ना कहें है ना उपचार से आपको अभी से सिद्ध कह दिया क्योंकि आप अपने बस उपयोग में लगे हैं हे भगवान आपके गुण साधारण नहीं है, यह मैं मानता परंतु उन गुनों के रहते हुए भी आप साक्षात दिखते नहीं यह आश्चर्य है यदि आपके साक्षात दर्शन हो जाएं, तो वह भक्ति उत्पन्न होती है जिसके द्वारा बहुत भारी पुण्य का संचय होता है और बहुत भारी पाप नष्ट हो जाते हैं आपके गुण साधारण नहीं यह मैं मानता हूँ परंतु नदार असाधारण रूप के रहते हुए भी आप साक्षात दिखते नहीं है नॉट वेरी श्योर कि साक्षात दिखते नहीं है मतलब क्या इस समय पर नहीं दिखते भगवान ये तो सही है है ना आप साक्षात दिखते नहीं है अच्छा उनके गुण जो है वो साक्षात देखने में नहीं आते है ना जो तो गुण जो है वो उनके असाधारण गुण है अगर वो साक्षात दिखने में आ जाए गुण तो भारी पुण्य का संचय होता है और भारी पाप नष्ट हो जाते हैं हे देव मोहनीय कर्म का घात होने से आपके सम्यक दर्शन हुआ है ऐसा सम्यक दर्शन जो अब कभी नहीं छूटता और हमेशा मतलब और विशुद्धि को प्राप्त होता रहता है है ना तो मोहनीय कर्म का घात होने से ये कब हुआ मोहनीय कर्म का जब यानी के दसवें गुणस्थान के बाद है ना अवगाढ़ सम्यक दर्शन हुआ था और अब ज्ञानावरण का क्षय हो जाने से परम सम्यक्दर्शन हुआ है मतलब कि परम विशुद्ध सम्यक दर्शन अभी तक भी सम्यक दर्शन तो था लेकिन जो तेरहवें सम्यक दर्शन है वो सबसे विशुद्ध है सबसे प्योर है क्योंकि अभी तक जो था वो मोहनीय कर्म सहित था अब क्या है मोहनीय कर्म खत्म हो गया अवगाढ़ सम्यक दर्शन में चारित्र की पूर्णता होती है और परम अवगार सम्यक दर्शन में समस्त पदार्थों के जानने की सामर्थ्य होती है इस तरह दर्शन ज्ञान और चारित्र गुण की पूर्णता के कारण आप वंदनीय है यानी वंदना करने के योग्य है तो क्या है कि तेरव गुणस्थान स्थान में जब उन्हें समस्त पदार्थ जानने की सामर्थ्य हो गई है तब ये जो उनके आत्मा के गुण है दर्शन ज्ञान चारित्र उन गुणों की पूर्णता के कारण आप वंदनीय है भगवान आपने प्रबल घातिया कर्मों की सेना को तो पहले ही नष्ट कर दिया था अब अघातिया कर्म भी जिसका बांध टूट गया ऐसे सरोवर के जल के समान निरंतर बहते रहते हैं यानी खिरते जाते हैं मतलब कि ये कौन से भगवान को ध्यान में रखकर बात कर रहे हैं अरिहंत भगवान को है ना तो क्या कह रहे हैं कि भगवान जो है अरिहंत भगवान निरंतर अपने अघातिया कर्मों की भी निर्जरा करते रहते हैं हे नाथ इस तरह व्यवहार रत्नत्र के द्वारा आपको निश्चय की सिद्धि हुई है और समीचीन धर्म चक्र के द्वारा आप तीनों लोगों के एक स्वामी हुए हैं है ना व्यवहार रत्न त्रय क्या जो मुनि अवस्था थी वो व्यवहार रत्न त्रय और उसके बाद जब ध्यान की अवस्था लगी है ना और उसके बाद जो श्रेणी आरोहण किया वो सब क्या है निश्चय रत्न त्रय की सिद्धि जब अपने को अपने रूप में पा लिया ठीक है दारू अघातीय कर्म क्या कौन से हुए जिनका नाश किया हाँ अघातीय कर्म नहीं घातीय कर्म का पहले नष्ट कर दिया राइट धूमीय तो कर्म हाँ और अघातीय में नाम कर्म आयु कर्म गोत्र कर्म और वेदनीय कर्म अच्छा ठीक है ठीक हे कामदेव के मान को मर्दन करने वाले प्रभु आपका शरीर विकार से रहित है ये तो हमने पहले ही जान लिया था उनके बचपन के साथ है ना हाँ आपने हाथ रेस किया चारू जी जी मुझे पूछना था तो तीर्थंकर भगवान आयु कर्म का भी नाश कर लेते हैं हाँ तो आयु कर्म बेसिकली वो तो उनको पूरा करना ही पड़ता है जितना वो लिखा है ना उनका तो हाँ. वो आयु कर्म समय के साथ ही इसी वजह से केवल ज्ञान के बाद वो जगह जगह विहार करते हैं जितना आयु कर्म अभी उनका शेष बचा है ठीक है आयु कर्म तो अपने जो समय है उसके हिसाब से जाएगा तो अम, फिर मतलब इसका फिर क्या अर्थ हुआ कि का नाश होता है या नहीं होता है फिर? आयु कर्म का एंड तो खत्म ही हो गया ना अब उसके बाद आयु कर्म और दोबारा नहीं बंधेगा ओ अच्छा हाँ ठीक है अब, हाँ। अब हमेशा के लिए नाश हो गया अच्छा थैंक यूर ठीक है तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं आपका शरीर विकार से रहित है और आपके वचन पदार्थ के यथार्थ स्वरूप को देखने वाले हैं यदि कदाचित ये दोनों ही नेत्र और करण इंद्रिय के विषय हो जाए तो दोनों ही राग द्वेष से रहित तथा समझ पदार्थों को जानने वाले आपको किसके मन में शीघ्र ही स्थापित नहीं कर देंगे अर्थात सभी के मन में स्थापित कर देंगे क्या करें शरीर तो आपका विकार रहित है और वचन क्या है सत्य पदार्थ के यथार्थ स्वरूप को देख देने देखने वाले है ना ये दोनों ही नेत्र और कर्ण इंद्रिय के विषय हो जाएं हम देख पाए आपको और सुन पाए है ना तो ये दोनों ही राग द्वेष से रहित और समझ पदार्थों को जानने वाले आपको किसके मन में शीघ्र ही स्थापित नहीं कर देंगे मतलब कि भगवान को हम कर साक्षात सुन पाते देख पाते तो हमारे मन में वो अभी तक स्थापित हो गए होते भावार आपका निर्विकार शरीर देखकर तथा पदार्थ के यथार्थ स्वरूप का निरूपण करने वाली आपकी वाणी सुनकर सभी लोग अपने हृदय में आपका ध्यान करने लगते हैं आपका शरीर निर्विकार इसलिए है कि आप बीतरागी हैं तथा आपकी वाणी पदार्थ का यथार्थ स्वरूप इसलिए कहती है कि आप सब पदार्थों को जानने वाले सर्वज्ञ हैं, है ना आप वित हैं और आप सर्वज्ञ हैं और आपको कोई अगर साक्षात देख ले तो हृदय में बैठे बिना नहीं रहेंगे है ना कितना सुंदर हे विद्वानों के पालक क्या इस संसार में वस्तु का स्वरूप अन्वय रूप से नित्य है अथवा निरन्वय रूप से क्षणिक है कैसा है सो कहिए इसका स्वरूप कहने में बुद्धाधिक गर्भ में बैठे हुए बच्चे के समान है वास्तविक बात यह है कि इन सब का ज्ञान पदार्थ ज्ञान से विमुख है क्या कह रहे हैं वस्तु का स्वरूप कैसा है नित्य है कि क्षणिक है और क्या कह रहे हैं कि बुद्ध आदि जो हैं जो जैनितर हैं दूसरे दर्शन को मानने वाले हैं उनका ज्ञान क्या है इस विषय में गर्भ में बैठे बच्चे के समान मतलब उन्हें कुछ भी जानकारी नहीं है वास्तविक बात यह है कि इन सबका ज्ञान पदार्थ ज्ञान से विमुख है किन सबका ज्ञान बुद्धादिक का ज्ञान पदार्थ ज्ञान को पदार्थ को वो नहीं जानते हे देव आपका अनंत चतुष्ट कपिल आदि के विषयभूत नहीं है कपिल आदि जो ब्राह्मण हुए उनके विषयभूत नहीं है यह बात तो दूर रही परंतु निस्वेदत्व आदि जो आपके आपके स्वाभाविक अतिशय हैं, उनमें से से क्या कोई भी भी किसी एक के भी संभव है अर्थात नहीं है। मतलब निस्वेद स्वेद होता है पसीना है ना जो अठारह दोष हैं भगवान के जो स्वाभाविक अतिशय हैं, तो कह रहे हैं कि कपिल आदि में किसी कोई एक भी उनमें से ऐसा है जो उनमें हो ऐसा गुण अर्थात नहीं है फिर भला ये बेचारे कपिलादि आप्त की पंक्ति में कैसे बैठ सकते हैं फिर उन्हें कैसे हम वितरागी देव मान सकते हैं आप कैसे कहला सकते हैं हे भगवान यद्यपि आपने तीनों वेदों को नष्ट कर दिया फिर भी मुनिगन आपको परम पुरुष कहते हैं सो क्या परम औदारिक शरीर की संगति से कहते हैं या मोह रूपी लता के भस्म करने से कहते हैं या सिद्धता गुण रूप परिणमन करने से कहते हैं या गुरुओं के गुणों के गौरव से कहते हैं है ना क्योंकि मुनी गुण जब प्रशंसा करते हैं तो पुरुष संज्ञा देते हैं उन्हें परम पुरुष कहते हैं पुरुषोत्तम कहते हैं पुरुषों में सबसे उत्तम है ना तो क्यों ऐसा कहते हैं तो वो ऐसा बता रहे हैं कि भाई आपको किस वजह से ऐसा कहते होंगे परम औदारिक शरीर पा लिया आपने इसलिए कहते हैं या मोह रूपी आपने लता को भस्म कर दिया इसलिए कहते हैं या सिद्धता परिणमन करने वाले हो गए गुणों के गौरव से भरे हैं इसलिए कहते हैं ठीक है तो ये अपने आप ही समझ जाने चाहिए कि भाई हाँ इसीलिए कहते हैं हे यद्यपि अभी आपने औदारिक तेजस और कार्मण इन तीन शरीरों को नष्ट नहीं किया तो भी शुद्धि शक्ति और अनुपम धैर्य के सातिश प्रकट होने से आप सिद्ध हो चुके हैं तो उपचार से सिद्ध कह रहे हैं कैसे अभी शरीर बाकी है भगवान के पास है ना तेजस और कार्बन शरीर भी बाकी है तीनों को शरीर को नष्ट नहीं किया है तो भी शुद्धि जो विशुद्धि है उनकी शक्ति और अनुपम धैर्य के कारण सिद्ध हो चुके हे स्वामी आप अपने द्वारा कहे हुए विशाल एवं समीचीन मार्ग में चलने वाले लोगों को अवस्था प्राप्त करा देते हैं ठीक है ना अब हमारे पास कुछ पेज और बचे हैं आई थिंक कल का लग जाएगा पूरा टाइम तो शुड वी डू टेक इट टुमारो और नेक्स्ट वीक कल परसों खत्म कर ये है ना कल या या। ठीक ऐसा कर लेते हैं हाँ तो सिक्स सेवन पेज बचे हैं तो हो जाएगा कल खत्म ठीक है चलिए फिर यहीं तक रखते हैं यहाँ तक हमने पढ़ लिया कल कंटिन्यू करते हैं इसको किसी को कोई क्वेश्चन चारू आज आप इसकी रिकॉर्डिंग भेज देना जी बहुत जी. अच्छा था ये लास्ट का ना दोबारा से सुनने हो गया ओके चलिए जिनवाणी स्तुति के ज्ञान से सुझे लो सो वाणी मस्तक मस्तको सदा दे जिनवाणी भारती तो ही जपो जो ज्योतिरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन नौ बढ़ तो ये जो भक्ति है जो हम पढ़ रहे हैं आज हमने पढ़ा और या ये कहिए कि जो कल्याण मंदिर स्तोत्र है भक्तामर स्तोत्र है जिन सहस्त्र नाम स्त्रोत्र है भगवान की जहाँ भी स्तुति वाले स्तोत्र हैं वो पढ़ने से हमें अतिशय पुण्य का बंद होता है सातिशय पुण्य का बंद होता है भगवान की भक्ति करने से और वो सातिशय पुण्य हमारे फ्यूचर में कर्म की निर्जरा में कारण बनता है ठीक है ना तो इसलिए यह हमारे आ, नियम से आगे चलकर कारण बनेगा सभी को जय जय ने